ईंट भट्टे पर काम कर रहे मजदूरों पर ठेकेदार जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी उसकी नजर गिरीवर पर पड़ी। गिरीवर ठंड से कपकपाता हुआ धीरे धीरे ईंटें बना रहा था। ए, ये कैसे काम कर रहे हो तुम? मुझे धीरे धीरे काम करने वाले लोग पसंद नहीं है। जल्दी जल्दी काम करो, शाम तक सभी ईंटें बनकर तैयार हो जानी चाहिए। क्या करूं मालिक, आज बहुत ठंड ज्यादा है, हाथ पैर सुन पड़ गए हैं। ये सब बहाना नहीं चलेगा, अगर काम नहीं कर सकते हो तो काम छोड़कर चले जाओ, मैं मुफ्त के पैसे नहीं दूंगा। मालिक की धमकी सुनकर गिरीवर किसी तरह से जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करने लगा। गिरीवर एक ईंट भट्टे पर ईंट बनाने का काम करता है। जनवरी का महीना था और ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही थी। गिरीवर के पास पहनने के लिए न तो कोई गर्म कपड़ा था और न ही पैरों में चप्पल। गिरीवर ने एक फटी हुई शर्ट पहन रखी थी जिसमें उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी और ठंड के कारण उसके हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। ईंट भट्टे पर काम करने के बदले में गिरीवर को बहुत कम पैसे मिलते थे। उन पैसों में उसका और उसके परिवार का पेट भी नहीं भर पाता था। गिरीवर के परिवार में उसके बूढ़े माता पिता, पत्नी मिश्री, बेटी कुहू और बेटा सनी थे। इतने बड़े परिवार के आगे गिरीवर की कमाई बहुत कम पड़ जाती थी। ऊपर से ये ठंड का मौसम गिरीवर के लिए बहुत बड़ी मुसीबत था। गिरीवर जल्दी जल्दी ईंटें बना रहा था लेकिन उसकी आंखें तो ऊपर आसमान पर थी। तभी उसके साथ ही बबलू ने कहा, गिरीवर भाई ऊपर क्या देख रहे हो? बबलू, न जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि आज आसमान से आफत बरसने वाली है। सही कह रहे हो भाई, आज मौसम बहुत खराब है, दिन में ही अंधेरा छाया हुआ है, आज तो एक पल के लिए सूरज नहीं निकला, ठंड भी बहुत बढ़ गई है। जब भट्टी के पास जाता हूँ तो वहाँ आग की गर्मी से थोड़ी राहत मिलती है, वहाँ से हटने का मन ही नहीं करता। हाँ बबलू, लेकिन हम भट्टी के पास कब तक रहेंगे? रात में तो अपने घर ही जाना है। गिरीवर और बबलू बातें करते हुए अपना काम करने लगे। शाम को काम खत्म करके गिरीवर अपने घर लौट आया। गिरीवर का परिवार एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था जिसमें से ठंडी हवाएं घर के अंदर आती थी। सोने के लिए पुआल का बिस्तर और ओढ़ने के लिए प्लास्टिक की चादर जिसे गिरीवर की पत्नी ने बड़े बड़े पॉलीथीन को जोड़कर बनाया था। गिरीवर को देखकर उसकी माँ शांता ने कहा, आ गया बेटा, मेरी दवाई लेकर आया है ना? नहीं माँ, आज ठंड बहुत ज्यादा होने के कारण बाहर सभी दुकानें बंद हैं। कोई बात नहीं बेटा, आज तो सच में बहुत ज्यादा ठंड है, बरसों के बाद ऐसी ठंड पड़ी है, ऐसा लगता है हाथ पैर जम जाएंगे। पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं होने के कारण शांता को ठंड लग गई थी और उसे तेज बुखार था। गिरीवर की पत्नी मिश्री शांता के सिर पर ठंडे पानी की पट्टी करने लगी। मिश्री, आज तुमने खाना नहीं बनाया है क्या? खाने में क्या बनाऊं? घर में अनाज के नाम पर थोड़े से चावल रखे हैं। ठीक है, आज सबके लिए गीले चावल बना दो, मैं कल कुछ राशन का इंतजाम करूंगा। मिश्री गीले चावल बनाने जा ही रही थी कि तभी बहुत जोर जोर से ठंडी हवाएं चलने लगी। धीरे धीरे तेज हवाएं तूफान में बदल गई। हे भगवान, इतना तेज तूफान, पता नहीं आज क्या होने वाला है। तूफान इतना तेज था कि गिरीवर की झोपड़ी हिलने लगी जिसे देखकर कुहू और सनी डर के मारे रोने लगे। पापा, हमारी झोपड़ी तो हिलने लगी, अब हम सब मारे जाएंगे। नहीं कुहू बेटा, तुम डरो मत, हमें कुछ नहीं होगा। बाबा, बाहर बर्फ का तूफान आ रहा है, देखो हमारी झोपड़ी के अंदर बर्फ गिर रही है। सनी की बात सुनकर गिरीवर ने झोपड़ी के बाहर जाकर देखा तो सचमुच में बर्फ का तूफान था। जमीन पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जमी हुई थी। गिरीवर फौरन अपनी झोपड़ी के अंदर आ गया, लेकिन ये क्या, अचानक बहुत तेज हवा का झोंका आया और गिरीवर की झोपड़ी को अपने साथ उड़ा कर ले गया। एक ही झटके में गिरीवर और उसके पूरे परिवार के सिर से छत छिन गई थी। बाबा, वो देखो, हमारी झोपड़ी हवा में उड़ रही है। बाबा, हम तो बेघर हो गए, हमारी झोपड़ी तो तूफान में उड़ गई, अब हम कैसे रहेंगे? गिरीवर के पास सनी और कुहू की बातों का कोई जवाब नहीं था, वे सब अब खुले आसमान के नीचे थे। ऊपर से बर्फ का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। हम लोगों को जल्द ही यहाँ से भागना होगा, नहीं तो हम सब बर्फ के नीचे दबकर मर जाएंगे। लेकिन हम सब जाएंगे कहाँ? पिताजी, हमें कहीं सुरक्षित जगह पर जाना होगा, आप सब मेरे साथ चलिए। गिरीवर और उसका पूरा परिवार उसके पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी दूर पर जाकर गिरीवर रुक गया। वहाँ एक पेड़ है, हम सबको उस पेड़ के नीचे जाकर छिपना होगा। लेकिन गिरीवर बेटा, वो पेड़ तो पहले से ही बर्फ से ढका हुआ है। माँ, हमारे पास और कोई चारा नहीं है, यहाँ आसपास में हमारे छिपने के लिए कोई और जगह नहीं है, हम उस पेड़ के नीचे छिप जाएंगे तो कम से कम बर्फ हमारे ऊपर तो नहीं पड़ेगी। गिरीवर के कहने पर सभी लोग उस बर्फ के ढके पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए, लेकिन फिर भी वे सब बर्फ के तूफान से बच नहीं पा रहे थे। न जाने ये बर्फ का तूफान कब थमेगा। बहू,
तू बच्चों को कसकर थामे रहना, कहीं तूफान में हम में से कोई उड़ ना जाए। वे सभी उस पेड़ को कसकर पकड़कर खड़े हो गए। तूफान सारी रात चलता रहा। गिरिवर और उसका परिवार सहमा हुआ किसी अनहोनी की आशंका से बेहद डरा हुआ था। जैसे तैसे रात गुजरी और सवेरा हो गया। बर्फ का तूफान भी अब थम चुका था। कैसी कयामत की रात थी, ना जाने हम सब कैसे जिंदा बच गए। लेकिन माँ, अब हम लोग कहाँ रहेंगे? चलो हम सब अपनी झोपड़ी के पास चलते हैं। और वे सभी अपनी झोपड़ी के पास आए, लेकिन वहाँ तो झोपड़ी का नामो निशान भी नहीं था। झोपड़ी तो तूफान में उड़ चुकी थी। गिरिवर बेटा, हमें रहने के लिए कुछ न कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। हम इस तरह से सड़कों पर दिन नहीं गुजार सकते। तुम चिंता मत करो माँ, मैं दूसरी झोपड़ी बना लूंगा, लेकिन इस काम में सबको मेरी मदद करनी होगी। गिरिवर बेटा, दूसरी झोपड़ी बनाकर क्या फायदा, न जाने ऐसा खतरनाक तूफान फिर कब आ जाए। अगर फिर से तूफान आ गया तो हमारी झोपड़ी फिर उड़ जाएगी और हम लोग बेघर हो जाएंगे। हमें हमारे रहने के लिए अब पक्का मकान बनाना होगा। लेकिन पक्का मकान बनाने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे पिताजी? अरे गिरिवर बेटा, तू तो ईंट भट्टी पर ईंट बनाने का काम करता है। ईंट बनाना तो तुझे आता ही है, क्यों ना अपनी ईंट बना ले और उस ईंट से अपना पक्का मकान बन जाएगा। इस काम में हम सब तेरी मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ईंट बनाने के लिए हमें सीमेंट की जरूरत भी पड़ेगी। कुहू के बाबा, मेरे पास थोड़े से पैसे हैं जो मैंने रोज के खर्चे से बचा कर रखे हैं। इन्हें आप रख लीजिए, सीमेंट लाने के काम आ जाएंगे। मिश्री ने अपनी साड़ी के पल्लू में से कुछ रुपए निकाल कर गिरिवर को दे दिए। गिरिवर ने देखा तो वो पूरे 1000 रुपए थे। इतने पैसों में तो ईंट बनाने के लिए सीमेंट और ईंट बनाने की मशीन भी आ जाएगी। तो फिर देर किस बात की है गिरिवर बेटा, जल्दी से ईंट बनाने का काम शुरू कर दो। गिरिवर उन पैसों से सीमेंट की कुछ बोरियां और ईंट बनाने की मशीन ले आया। अपनी झोपड़ी की जगह पर उसने एक छोटी सी भट्टी भी बना ली। अब सारा दिन गिरिवर और उसका परिवार ईंटें बनाता और रात में वे सभी वहीं जमीन पर सो जाते। पापा, हमें कब तक ऐसे खुले आसमान के नीचे सोना पड़ेगा? मुझे बहुत ठंड लग रही है। बस कुछ दिनों की बात है कुहू बेटा, हम जल्द ही अपना पक्का मकान बना लेंगे। अपना पक्का मकान बनाने के कारण गिरिवर अब काम पर भी नहीं जा रहा था, जिसके कारण उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपनी बीमार माँ शांता का इलाज करवा सके और अपने परिवार का पेट भर सके। लेकिन गिरिवर मनी मन सोच रहा था कि कुछ ही दिनों की बात है, फिर अपना मकान बन जाएगा और कहीं न कहीं काम भी मिल ही जाएगा। गिरिवर और उसका परिवार भूखे प्यासे कड़ी मेहनत और लगन से अपना पक्का मकान बनाने में जुटा हुआ था। आते जाते कुछ लोग गिरिवर को वहाँ ईंटें बनाते हुए भी देखने लगे। एक दिन गिरिवर अपनी छोटी सी भट्टी पर ईंटें बना रहा था, तभी वहाँ एक आदमी आया। अरे यहाँ गिरिवर कौन है? मैं ही हूँ मालिक, कहिए क्या काम है? मैं तुम्हें रोज ईंटें बनाते हुए देखता हूँ, मुझे ईंटें बनवानी है लेकिन मार्केट से कम दाम दूंगा। ये सुनकर गिरिवर बहुत खुश हो जाता है कि कम पैसे ही सही, कम से कम अपना काम तो शुरू हो जाएगा। उसने खुशी खुशी उस आदमी से कहा। बन जाएगा मालिक, मैं मार्केट से कम दाम में आपके लिए ईंटें बना दूंगा। ठीक है, 10,000 ईंटें बनानी है, ये लो एडवांस 5,000 रुपए। इतना कहकर उस आदमी ने गिरिवर को 5,000 रुपए दिए और वहाँ से चला गया। गिरिवर ने उन पैसों से अपनी माँ शांता का इलाज करवाया और खाने के लिए कुछ राशन लेकर आया। उस दिन सबने पेट भर कर खाना खाया। आज कितने दिनों के बाद हमने पेट भर कर खाना खाया है। सन्नी बेटा, भगवान ने चाहा तो हम हर रोज इसी तरह से पेट भर कर खाना खाएंगे। बहुत जल्दी हमारा घर बनकर तैयार हो जाएगा और अब तो मुझे ईंट बनाने के काम भी मिलने लगे हैं। हमें अब जल्दी जल्दी घर बनाने का काम पूरा करना होगा। हाँ पिताजी, फिर मुझे 10,000 ईंटें भी तो बनानी है। अब गिरिवर का परिवार दुगनी रफ्तार से ईंट बनाने का काम करने लगा और लगभग 2 दिन में उन्होंने ईंटें बनाकर अपना घर भी बना लिया। अपने घर में आकर कितना अच्छा लग रहा है, अब हमें किसी तूफान से डरने की जरूरत नहीं है। गिरिवर की छोटी सी ईंट भट्टी भी उसके घर के अंदर थी, जिससे उसका घर भी गर्म रहता था। गिरिवर का परिवार खुशी खुशी अपनी ईंट भट्टी के मकान में रहने लगा। गिरिवर ने बहुत जल्दी 10,000 ईंटें बनाकर तैयार कर ली। अरे वाह, तुमने तो बहुत जल्दी बढ़िया ईंटें बनाकर दी हैं। अब तुम्हें 50,000 ईंटें और बनानी होंगी। इसी तरह से गिरिवर को ईंटें बनाने का काम मिलने लगा और गिरिवर अपनी ईंट भट्टी घर पर ईंटें बनाने लगा। अब गिरिवर और उसके परिवार की सारी तकलीफें दूर हो गई थी। रीना 7 साल की है और घर संभालने की जिम्मेदारी उसी के कंधे पर है, क्योंकि उसकी माँ नहीं है और उसके पिता की तबीयत खराब है। उसके पिता का नाम ब्रजेश है और उन्हें कैंसर जैसी भयानक बीमारी है।
बेटी और कितना काम करेगी तू? तुझे देखकर मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। बाप होकर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। पापा आप ऐसा मत कहिए, आप आराम कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। घर का काम करने के बाद रीना नींबू लेकर बाजार चली गई और बाजार में नींबू बेचने लगी। नींबू ले लीजिए साहब, 5 रुपए में एक, 10 रुपए में 3, ले लीजिए साहब, नींबू ले लीजिए साहब। रीना ऐसे ही हर रोज नींबू बेचने के लिए बाजार जाती है। आज उसके सारे नींबू बिक जाते हैं। ये देखकर रीना खुश हो गई। वो घर लौट गई और अपने लिए और अपने पिता के लिए खाना बनाया और फिर अपना स्कूल बैग लेकर वो स्कूल चली गई। सारा काम खत्म करने के बाद स्कूल पहुंचने में उसे देर हो गई। टीचर ने कहा, क्लास तो कब की शुरू हो गई है, इतनी देर तक तुम कहाँ थी? काम कर रही थी सर। तो फिर काम ही करो जाकर, स्कूल क्यों आई हो, बाहर मुर्गा बनकर खड़ी रहो। रीना को क्लास में घुसने नहीं दिया गया। वो क्लास के बाहर मुर्गा बनकर खड़ी रही और उसकी आंखों से आंसू टपकते रहे। क्लास के बच्चे उसे देखकर हंसने लगे। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके एक पैर में जूता भी नहीं था। रीना तू स्कूल में पढ़ने के लायक ही नहीं है, तेरे पास तो ढंग के कपड़े नहीं है। ये सुनकर रीना को दुख पहुंचा, लेकिन इसमें रीना कर भी क्या सकती है, उसे घर चलाना होता है। सबके नसीब में सुख थोड़ी लिखा है। उधर ब्रजेश की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। वो जोर जोर से खांसने लगा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। ये क्या खून? ये देखकर ब्रजेश का पड़ोसी रमेश वहां आया और ब्रजेश को लेकर अस्पताल चला गया। स्कूल में पूरा दिन मुर्गा बने खड़े रहने के बाद रीना जब घर लौटी तब उसने देखा कि घर खाली है, उसके पिता घर पर नहीं है। तभी गांव की एक औरत ने उससे कहा, अरे तेरे पिता तो अस्पताल में है, जल्दी जा। ये सुनकर रीना ने रोते हुए दौड़ लगाई और कुछ ही देर में अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल जाकर उसने देखा कि ब्रजेश को अस्पताल के बाहर रास्ते में एक चद्दर बिछाकर सुलाया गया है और वो बहुत खांस रहा है। क्या हुआ पापा? आपको क्या हुआ? आप ऐसे रास्ते में क्यों हो? गरीबों को अस्पताल के अंदर जगह कहाँ मिलती है बेटी? रीना अपने पिता को पकड़कर रोने लगी। तभी एक डॉक्टर साहब उसके पास आए। देखो तुम्हारे पिता की हालत बहुत खराब है, इमीडिएटली कीमोथेरेपी शुरू करना होगा, नहीं तो वो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। कीमोथेरेपी? लेकिन उसमें तो बहुत खर्चा है। हाँ 5 लाख रुपए लगेंगे। ये सुनकर रीना चौंक गई। 5 लाख रुपए? रीना ने कभी एक साथ 500 रुपए भी नहीं देखे। 5 लाख रुपए वो कहाँ से लाएगी? शाम को वो अपने पिता को लेकर घर चली आई और आज से ही ठंड का मौसम पड़ने वाला था, इसीलिए शाम को जबरदस्त वाली ठंड लगनी शुरू हो गई। लेकिन रीना के पास गर्म कपड़े ही नहीं है, वो ठंड से कांपने लगी। बेटी मुझे माफ कर देना, मैंने तेरे लिए कुछ भी नहीं किया, एक गर्म कपड़ा तक नहीं खरीद पाया। ऐसा मत कहिए पापा, आपकी तबीयत खराब है, अभी मुझे आपकी सेवा करनी होगी, लेकिन 5 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगी मैं? रीना सोच में पड़ गई। अगले दिन रीना ठंड से कांपते हुए स्कूल गई और सब लोग उसके ऊपर हंसने लगे। क्या रे रीना, तेरे पास एक गरम कपड़ा भी नहीं है क्या? तू तो भिखारी है भिखारी। रीना ने कुछ भी नहीं कहा, वो बस चुपचाप रोती रही। टीचर क्लास में आए और सभी से सवाल जवाब करने लगे। रीना से भी उन्होंने एक सवाल पूछा, लेकिन रीना उसका उत्तर नहीं दे पाई। टीचर ने कहा, तू जाकर नींबू बेच, ये पढ़ाई लिखाई तेरे बस की नहीं है। टीचर की इस बात से रीना को बहुत दुख पहुंचा। अभी रीना के कंधे पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। यही सब सोचते हुए रीना पैदल घर की ओर चलने लगी और तभी उसके सामने अचानक से एक गाड़ी आ गई। गाड़ी से रीना टकरा गई और उसके सर पर चोट लग गई, उसके सर से खून निकलने लगा। आह! गाड़ी के अंदर से मधु नाम की एक लड़की निकली। ए लड़की, देखकर नहीं चल सकती क्या? क्षमा कीजिए मैडम, गलती हो गई। मधु गाड़ी चलाकर चली गई। मधु असल में शहर की रहने वाली है। वो रीना के स्कूल टीचर की बेटी है और वो एक फैशन डिजाइनर है। वो कुछ दिनों के लिए अपने पिता के पास आई है। मधु अपने पिता से जाकर एक्सीडेंट के बारे में कहती है। ये सुनकर उसके पिता कहते हैं, अच्छा वो लड़की, वो तो मेरे स्कूल में पढ़ती है, वो कोई काम की नहीं है। छोड़िए पिताजी, मुझे विंटर फैशन का एक नया स्वेटर बनाना है, कुछ नया, लेकिन बन ही नहीं पा रहा है। कोई बात नहीं बेटा, ट्राई करते रहना चाहिए, पता नहीं कब कौन सा चमत्कार हो जाए। मधु स्वेटर का डिजाइन बनाने में लग गई, लेकिन उसके बॉस को कुछ भी पसंद नहीं आया। उधर रीना 5 लाख रुपए का जुगाड़ करने में लग गई। सुबह सुबह तालाब के पास वाली जमीन से उसने साग निकाला और बाजार में बेचने चली गई। लेकिन साग और नींबू बेचकर कितने ही पैसे मिलेंगे उसे?
इन पैसों से तो दो वक्त का खाना भी नहीं होता। अब मैं क्या करूं? मुझे मेरे पिता को बचाना ही होगा। उनके बिना मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है। उधर ब्रजेश की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती रही। हर रोज खून की उल्टी होने लगी और उसके ऊपर से ठंड भी बढ़ने लगी। उन लोगों का घर टूटा फूटा हुआ था, इसलिए घर के अंदर तापमान दिन ब दिन कम होता गया और उसके ऊपर एक दिन भयानक बारिश भी शुरू हो गई। इतनी ठंड और ऊपर से ये बारिश की बूंदे तलवार की तरह चुभने लगी रीना और ब्रजेश को। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? इस दुनिया में गरीब बन के पैदा होना एक श्राप है बेटी। वो दोनों बिस्तर के नीचे जाकर बारिश से बचने की कोशिश करने लगे, लेकिन इतनी बारिश की वजह से कमरे के अंदर पानी जम गया। वो दोनों पानी में लिपटे हुए सोए रहे। उनके पास कोई और चारा भी तो नहीं था। सुबह हुई और बारिश रुक गई। रीना एक बाल्टी लेकर कमरे से पानी हटाने में लग गई। आज स्कूल में एग्जाम भी है, पता नहीं क्या होगा। पानी हटाने के बाद उसने ब्रजेश को खाना खिलाकर सुला दिया और खुद भीगे कपड़े पहनकर स्कूल की ओर निकल गई। लेकिन टीचर ने कहा, नहीं, तुम इन भीगे कपड़ों में परीक्षा नहीं दे सकती। लेकिन क्यों सर, मेरे पास तो और कुछ नहीं है। वो सब मुझे नहीं पता, तुम्हें स्वेटर पहन के आना होगा, नहीं तो तुम्हारी वजह से पूरा क्लास बीमार पड़ जाएगा। टीचर ने रीना को एग्जाम रूम में घुसने नहीं दिया। रीना बाहर खड़ी होकर सोच ही रही थी कि उसे अभी क्या करना चाहिए। तभी उसने देखा कि स्कूल के बाहर एक गेहूं के गोडाउन के पास गेहूं के बहुत सारे बोरे पड़े हुए हैं। अरे मैं इससे तो स्वेटर बना सकती हूँ। ये बोलकर रीना वहाँ गई और गोडाउन से एक कैंची मांग लिया और कैंची से बोरे को काट कर स्वेटर जैसा बना लिया और उसके बाद उसे पहन लिया। सर क्या अब मैं अंदर आ सकती हूँ? टीचर अभी कुछ बोल नहीं पाया, उसने रीना को एग्जाम देने दिया। एग्जाम के बाद रीना घर लौट गई और अपने पिता को भी एक बोरे का स्वेटर पहना दिया। वाह, इसमें तो बहुत ही गर्मी होती है, अच्छा है। गरीबों के लिए यही लाखों रुपए का स्वेटर है। उधर टीचर अपने घर गए। मधु अभी तक स्वेटर नहीं बना पाई थी। टीचर ने उससे कहा, तूने अभी तक स्वेटर नहीं बनाया और उधर उस लड़की ने बोरे से एक स्वेटर बना लिया। क्या कहा आपने, बोरे का स्वेटर? हाँ बेटी, बोरे का, क्यों? मधु ने तुरंत गाड़ी निकाली और अपने पिता को लेकर रीना के घर चली गई। ये क्या, टीचर आप? रीना ने बोरे का स्वेटर पहना हुआ था। उस स्वेटर को देखकर मधु बहुत खुश हो गई। अरे वाह, ये तो बड़ा ही यूनिक डिजाइन है, ऐसा ही एक डिजाइन तो मैं ढूंढ रही थी, तूने तो आज कमाल ही कर दिया। मधु ने रीना से उस स्वेटर को लिया और अपने बॉस को दिखाया। वो स्वेटर बॉस को भी बड़ा पसंद आया और कुछ ही दिनों के अंदर बोरे से बने हुए एक मामूली से स्वेटर ने अमीरों का दिल जीत लिया। मधु ने रीना को डिजाइनर फीस दे दी जो पूरे 10 लाख रुपए थी। 10 लाख रुपए? अरे बाप रे, इससे तो आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा पापा। हाँ, हाँ, हम लोग अमीर हो गए बेटी। रीना ने ब्रजेश का ट्रीटमेंट करवाया। ब्रजेश बिल्कुल ठीक हो गया। इसके बाद से रीना मधु के साथ ही काम करती रही। वो लोग अमीर हो गए और ऐसे ही एक मामूली से बोरे के स्वेटर ने रीना का भाग्य बदल दिया और इसके बाद से वो लोग खुशी खुशी रहने लगे।